Hey guys, it's me Piyush and I'm a fashion influencer and you're watching Fashion Fab. और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ गैलो ई क्रीम का, जो कि बहुत ज़्यादा सही तो नहीं कह सकते इसकी पैकेजिंग, बाकी क्रीम तो मतलब सही होने वाली है। तो क्या खास है, क्या खास नहीं है, कितना प्राइस है, कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एक एक करके पॉइंट सारे स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो देख सकते हो अगर पैकेजिंग की हम बात करते हैं तो खास नहीं है, छोटा सा कंटेनर आप लोगों को मिल जाता है, सामने गैलो ई आप लोगों को लिखा रहेगा, जो कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम आ जाती है। आप इसे विंटर की जगह समर्स में भी यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या एक्स्ट्रैक्ट मिक्स है, तो मतलब काफ़ी सारे इंग्रीडियंट्स इसमें मिक्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सामने आप लोगों को फोटो दिख रही होगी, पोस्ट करिए, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये गेल केयर कंपनी है, उसने बनाई है ये गैलो ई क्रीम, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही नहीं कह सकते मैं भी, हाँ सही है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट मिक्स है वो आ जाते हैं, एक एलोवेरा का आ जाता है और दूसरा विटामिन ई का आ जाता है। पहले जो एलोवेरा है वो क्या करता है हम बातें कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और इसमें एंटी एजिंग भी होते हैं, और ये एलोवेरा है ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, मतलब जो कि आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा सही है। जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं आपके फेस में जब मार देगा, और आपके फेस में जो कील वगैरह होती है ना ये उसे पूरी तरीके से हटाने वाला है, नहीं होती जो छोटी छोटी कील आ जाती है आपके फेस पे तो उसे रिमूव करने में मदद करता है, और आपके फेस पे जो भी दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाने वाले हैं, और आपके फेस को ग्लो बनाएगा, आपके फेस को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है एलोवेरा। और इसमें आता है विटामिन ई से, तो आप लोग सब लोग वाकिफ होंगे कि इससे क्या क्या होता है, जो लोग नहीं वाकिफ है उनको मैं बता देता हूँ। आपके फेस पे अगर डार्क सर्कल वगैरह हैं तो इसको अगर आप लगाओगे तो बहुत ज्यादा सही होने वाला है। आपकी स्किन को ब्राइटनिंग बनाने में मदद करता है, एंड ग्लोइंग भी बनाने में मदद करता है। रिंकल्स हैं और सनटैन है तो उसको भी रिमूव करने में आपके फेस में मदद करता है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा सही होने वाला है। एंड डार्क स्पॉट भी हो जाते हैं कई लोगों के आंखों के नीचे, तो यार वो भी रिमूव करने में मदद करता है, तो मतलब जो कि बहुत ज्यादा सही बात है इस क्रीम में। और ये जो क्रीम है ना ये ऑल टाइप स्किन के लिए अवेलेबल होने वाली है, जो कि मात्र आप लोगों को मिलती है 200 के अंदर में। अगर हम बात करें पीछे इसका प्राइस लिखा होता है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे में इसका प्राइस जो है वो आप लोगों को मिल जाता है 189 रुपए का, जो कि मतलब अगर आप अमेजोन से बाय करोगे तो इससे थोड़ा सस्ते रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा, तो जो कि मतलब सही होने वाला है। और सामने आप लोगों को एलोवेरा की फुटेज दिख रही होगी। अगर हम बात करें इसके अंदर में तो यहाँ पे आप लोगों को अंदर में जो क्रीम है वो आप लोगों को थोड़ी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी की मिलेगी, एक्चुअली क्रीम है तो क्रीमी कंसिस्टेंसी की रहेगी, तो वही एक्चुअली है। तो और यहाँ पे हम बात करना था इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यार एक्चुअली मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं बताने वाला, थोड़ा सा हाथ पे लगा के और स्मेल करके ऐसे बता देते हैं, मैं सिंपल सा आप लोगों को अपने फेस पर अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो सामने आप लोग देख पा रहे हो जो आपका फेस है आपको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, और अगर आप कहीं पे भी घूमने बाहर जा रहे हो ना तब आप इसे लगा सकते हो आराम से। कैसे आप लोगों को लगाना, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी लेनी होगी, थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब जो क्रीम है इसको आपको लेनी होगी, ज्यादा मतलब ले लेना, नहीं तो आपके फेस पे ना ऑयली ऑयली से लगेगा, ऐसे शाइन करने लगा आपका फेस, तो मतलब काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि जब किसी का फेस जो है ना वो शाइन करता है ना तो आपको भी आई थिंक अच्छा नहीं लगता होगा। भाई मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, मैं इसे पहले लगाता जैसे कि मेरे फेस पे रिंकल्स दाग धब्बे मतलब बहुत ज्यादा थे, तो मैंने इसको लगा के आधी खत्म कर चुका हूँ। लेकिन हाँ उसके बाद मुझे पता चला कि दोस्त एक्चुअली मुझे कमेंट करने लगा था कि यार तेरा फेस बड़ा ऑयली ऑयली लगने लग गया है, क्या लगाता है क्या नहीं लगाता, मतलब यार इतना खराब सा लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तब मेरे को मैं सोचा कि यार मेरा फेस इतना ऑयली कैसे लग रहा था, जब मैं इस क्रीम को लगाता हूँ ना तभी जो मेरा फेस है वो बहुत ज़्यादा ऑयली दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इसे कम कंसिस्टेंसी में भी लेके देखा, तभी भी जो थोड़ा मोड़ा फेस है ना वो ऑयली हो जाता है। तो अगर आपको इसको लेना है दाग धब्बे, अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डार्क स्पॉट वगैरह, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर आप मतलब ब्राइटनिंग ग्लोइंग होने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तभी भी आप इसे कर सकते हो, बट और भी क्रीम्स हैं जो कि आप लोगों को ऐसा मतलब ऑयली ऑयली फेस तो नहीं आ पा रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी वो अच्छे से वर्क करती हैं। तो अगर आप इसकी जगह कोई और प्रेफर करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रहा, तो इसका जो आधा डब्बा है ना वो मैंने ही खत्म किया था, क्योंकि यार मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह थे, डार्क सर्कल्स थे, थोड़ा सा काला भी हो गया था मेरा फेस, तो मैंने इसे यूज़ किया तो मतलब इफेक्ट तो ज़्यादा अच्छा दिखा रहा था ये। लेकिन हाँ पता है इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जब भी मैं इसे लगा के अपने स्कूल वगैरह जाता था, कहीं भी बाहर जाता था, लोग मुझे कमेंट करने लग गए थे यार पीयूष तेरा फेस इतना ऑयली सा कैसे हो रहा, बड़ा स्टिकी सा मतलब अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया यार मेरा फेस तो सही है, लेकिन हाँ जब मैं शीशे में जाके देखा ना भाई सही में लग रहा है। जब लोग कमेंट मारता है ना तो शीशे के सामने जाके देखना ही पड़ता था, जब मैंने शीशे के सामने जाके देखा तब मुझे पता चला ओ माय गॉड यार ये जो मेरा फेस है सही में बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप का हो रहा है, मतलब अजीब सा ऑयली ऑयली टाइप का, और शाइन मार रहा है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड यार इसी क्रीम की वजह से हो रहा था। यार जब मुझे पता चला ना तो यार मैंने इस क्रीम को लगाना बंद कर दिया, बिकॉज यार मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन था एक और क्रीम का, जो कि लगा भी लो और वो क्रीमी सा भी नहीं रहेगा, शाइन भी नहीं करेगा और वो अच्छा इफेक्ट भी कर रहा था, तो मैंने वो वाली क्रीम लगाई। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आपको 200 रुपए के अंदर में चाहिए तो आप लोग ये क्रीम भी बाय कर सकते हो, हाँ बट थोड़ा सा शाइन करने लगेगा आपका फेस, वो बात अलग है। लेकिन हाँ बाकी अगर ओवरऑल हम क्रीम की बात करें, जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा सही है, अगर आपको इसको बाय करने तो कर सकते हो, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे इसमें वो मैंने सारे आपको बता दिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो कर देना भाई के प्यार से छोटे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी एक्साइटिंग अमेजिंग वीडियोस तो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। एक्चुअली मैं इसमें वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट हाँ
ये क्रीम एक्चुअली अच्छी लगी, मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए, तो मैंने बना दी, आप लोग देख लेना। और अगर आपको बाय करनी हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसे वहाँ से अगर हमसे बाय कर सकते हो, बिकॉज ये अच्छी क्रीम है, तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो अमेजोन से बाय कर सकते हो। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, कर देना अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ, और मुझे कर देना इंस्टाग्राम पे फॉलो। तब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।